हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिपिन वत्स। बिपिन सर, कैसे आप लोग? बढ़िया हो? ठीक, अच्छे से हो? आई होप कि आप लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हो और अपने अपने घरों में आप लोग सेफ हो। मैं भी लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ और मैं भी ठीक हूँ। बट यार, ये होता है कि लॉकडाउन का पालन करते करते वो घरों में थोड़ा सा बोर हो गया, बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर दिमाग में प्लान आया, चलो कुछ कर लेते, बच्चों के वीडियो लेक्चर ही बना लेता हूँ, है ना। एक्चुअली मेरे अंदर चुल्लू मची, वो वीडियो बना बैठे बैठे चुल्लू मच गई वीडियो बनाने का। सोचा चलो बना लेते, करते ट्राई करते, तो प्लानिंग स्टार्ट कर दिया लेक्चर बनाने का। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनाना शुरू कर दिया हूँ। अभी मैं एक्चुअली अपलोड नहीं किया है, विद इन अ 10 डेज और 15 डेज में वो सारा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे, सवाल ये उठता है ना कि हम लेक्चर बना रहे हैं, मेरा लेक्चर का मोटो क्या होगा, क्या करना चाहते हैं उसमें? तो मैं ये तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो लेक्चर होगा थोड़ा मैं डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा, है ना। जनरली जो एक ऑनलाइन क्लासेस जो होता है वो ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होता नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट होता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में मिसिंग होता है। मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या समझ में आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश यही होगी कि मैं ऐसा फील करके पढ़ाऊँ कि मैं जिस बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल पूरी इंटरेक्शन के साथ में वो करूँ। और हमारी कोशिश हो कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों का डाउट्स क्लियर करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कहाँ बच्चों को डाउट्स कहाँ पे आता है, तो मैं जस्ट यहाँ पे भी मैं ये कोशिश करूँ कि मैं वो जो बच्चों को जो डाउट्स होता है वो मैं क्लियर करा सकूँ अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियोज़ में वहाँ पे मैं हमारे लिए जो भी बच्चा बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है या बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई नीट है ना उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए क्या हो वो लेक्चर बेनिफिशियल हो। एक ही लेक्चर में मैं कोशिश कर दूं कि बच्चा बोर्ड के लिए भी पढ़ ले, जेई मेन के लिए पढ़ ले और जेई एडवांस का ही प्रिपरेशन कर ले और बिल्कुल अच्छे से पढ़े। आपका क्या लेवल है केमिस्ट्री में उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट बॉदर। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो मेरे साथ, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और पूरी डेप्थ तक जाने की कोशिश करूंगा। जहां पे मैं पढ़ाया थ्योरी पढ़ाया मैंने पढ़ाया और आप उसका जो आप इम्प्लीमेंट करते हो प्रॉब्लम्स बनाने में, ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने के बाद अगर 60-70% अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दैट मीन्स आपने कुछ पढ़ा है। और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, सवाल ही नहीं बन पा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो पढ़ाई बेकार है, वो थ्योरी फिर किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस अपने वीडियोज़ में एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करूँ, प्रॉब्लमेटिक बनूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कवर करूँ। जो बच्चा बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहा है मैं वहाँ पे मेंशन करता हूँ बेटा ये देखो बोर्ड के लिए, ये जेई के लिए है, तो बच्चा क्लियर कट वहाँ पे मिक्सिंग कुछ ना हो, कुछ मिक्सिंग नहीं हो उसमें, वो क्लियर कट है कि हाँ ये बोर्ड्स के लिए है, ये जेई के लिए है, ये नीट के लिए है। तो बच्चों में ये जब इंटरमिक्स नहीं होता तो बच्चा का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हमारी कोशिश बस यही रहेगी मैं अपना 100% दे सकूँ। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बच्चों की एनर्जी जो एनर्जी होता है मैं उसको यूज़ करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। जो यहाँ पे जब मैं लेक्चर शूट करूँगा तो वहाँ पे कोई होगा नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो एनर्जी को मैं मेंटेन रख पाऊँ अपने लेक्चर में। तो ये जो वीडियो आ रहा है आपको इनिशियल का जो 2-4 वीडियो आप देखो, अगर बेनिफिशियल लगता है तो आप आगे देखोगे, नहीं बेनिफिशियल लगता है नहीं देखोगे, जैसे चिल मार रहे थे वैसे चिल मारते रहना। थैंक यू वेरी मच।